मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज की बात करेंगे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच होने वाले सेकंड आईपीएल मैच के बारे में, जो कि 3:30 बजे से खेला जाएगा। बहुत अच्छा मैच है ग्रैंड लीग के लिए। किन किन खिलाड़ियों पर रिस्क लेना है, वीडियो को ध्यान से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर टाइम निकाल रहे तो दोस्तों बेनिफिट के साथ में ये मैच फिर से फिनिश करोगे। और दोस्तों, कल जो हमने फ्री गिव अवे आप लोगों के लिए रखा था, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दिया था, और जैसे ही आप लाइक का टारगेट आज भी कंप्लीट करोगे, एक और फ्री गिव अवे आपके सामने आ जाएगा। कल के विनर थे मेहुल वारिया जी, लेकिन कल काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि एक नहीं दो जनों को प्राइज दिया जाए, तो आज दो जनों को प्राइज दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसके लिए आपको करना यह है कि आज की वीडियो का हमारा टारगेट है 5,000 लाइक्स, और जैसे ही 5,000 लाइक्स कंप्लीट होंगे वैसे ही फ्री गिव अवे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए ढेरों ऑफर्स हैं। एक ऑफर आपके लिए ये है कि आज आप 2 रुपए में मेगा कॉन्टेस्ट के जो 1 करोड़ वाला प्राइज वाला कॉन्टेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हो, और 1 करोड़ तो बस शुरुआत है। बहुत कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको डिटेल में वीडियो में पता चल जाएगा। अभी बात करते हैं जरा इस मैच के बारे में। और दोस्तों, शुरुआत आगाज लाइक के साथ करिएगा, जितनी जल्दी टारगेट कंप्लीट होगा उतनी जल्दी फ्री गिव अवे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, फ्री गिव अवे मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम मुल्लानपुर में, और दोस्तों ये अभी नया ग्राउंड बनकर तैयार हुआ है, जिसका अगर मैं आपको बताऊं डायमेंशन तो लगभग 72 मीटर की बाउंड्रीज आपको देखने मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड अभी लेटेस्ट बन के तैयार हुआ है। और इस मैदान के ऊपर टोटल 23 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 15 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, और अधिकतर मैचेस में स्कोर बहुत बड़ा नहीं बना है। दोस्तों, ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो लास्ट कुछ मैचेस खेले गए हैं, जो अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी के मैच हुए थे, उसके बाद कुछ और मैचेस जो यहाँ पर अभी खेले गए, इसे आप देखेंगे दिल्ली ने 176 का स्कोर किया था, विदर्भ ने 137 का स्कोर किया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, अनुज रावत 68 किया था, ओपन करने आए थे। यहाँ पे शिवम दुबे ने 48 किया था, नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे मुंबई की साइड से। यहाँ पे अभिजीत तोमर ने 54 किया था, ये ओपन करने आए थे। और अभिषेक ईश्वरन ने 87 का स्कोर किया था, ये ओपन करने के लिए आए थे। वहीं अगर हम सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको शिवम दुबे नंबर 6, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कुलकर्णी जिन्होंने 21 का स्कोर किया था, नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए विष्णु सोलंकी और विराट सिंह। फर्स्ट इनिंग में आपको जो चीज समझ में आ रही है वो ये कि फर्स्ट इनिंग के अंदर आपको टॉप 3 ने स्कोर करके दिया है, लेकिन अगर आप जब सेकंड इनिंग की तरफ गए तो स्कोर मिडिल ऑर्डर पर आया है। मतलब फर्स्ट इनिंग में तो आप टॉप 3 पर फोकस कर सकते हो, लेकिन जब बात सेकंड इनिंग की आएगी तो आप थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पर आ सकते हो। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ मैचेस जो डे नाइट के होते हैं, लेकिन ये जो मैच दोपहर के टाइम का है, अब ये फाइनल पिच रिपोर्ट तय करेगी कि बॉल कितना मूवमेंट लेने वाली है, क्योंकि दोपहर के मैचेस में नॉर्मली उतना मूवमेंट देखने मिलता नहीं है, और अब तो वैसे भी गर्मी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो चांसेस थोड़े से और कम ही आपको नजर आने वाले हैं। और फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की बात करें तो दोस्तों ये वो ग्राउंड है जहां पर स्पिनर्स को पिक प्राइमरी तौर पर कर सकते हो। प्राइमरी तौर पे स्पिनर्स को पिक करने से मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पिनर्स को आप थोड़ी तवज्जो दे सकते हो, क्योंकि पॉसिबल ये है कि कोई ना कोई एक स्पिनर ऐसा निकल कर आएगा जो 2 से 3 विकेट आपको मार के दे सकता है। अब वो कौन सा होगा, जिसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में आगे बात कर लेंगे, बस आप लोग इतना ध्यान रखो कि पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग के अंदर जो विकेट के चांसेस हैं वो थोड़े से 0 से लेकर 1 मान के चल सकते हो। सेकंड इनिंग में 1 से 2 के चांसेस आपको देखने मिलेंगे। फर्स्ट इनिंग में टॉप ऑर्डर के स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, सेकंड इनिंग में मिडिल ऑर्डर के, और इसके बाद आपको जो स्पिनर्स हैं वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे जाएंगे, जिसमें 2 से लेकर 4 विकेट तक आप स्पिनर्स के खाते में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पे दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। लास्ट ईयर जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने 30 से ऊपर का स्कोर किया था। पृथ्वी शो ने बनाया था 54, रायले रिशो का 82 था, डेविड वार्नर का 46 था, ईशांत शर्मा के 2 विकेट थे, और एनरिक नॉर्किया ने 2 विकेट निकाले थे, और DC ने बनाया था 213 रन। पंजाब काफी क्लोज गई, जिसमें अथर्व तईदे ने 55 का स्कोर किया था, लिविंगस्टन का 94 था, और सैम करन के 2 विकेट थे।
प्रभ सिमरन सिंह। दोस्तों इस नाम पे थोड़ी सी नजर रखिएगा क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं दोनों टीम्स के अंदर, तो इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो सिर्फ 9% है। और ध्यान रखिएगा पिछले साल इसने बहुत अच्छा बैटिंग किया था, मतलब बहुत जबरदस्त रन बनाए थे, आप स्कोर देख सकते हो 103 का स्कोर इन्होंने किया था। इसके बाद हरप्रीत ब्रार को 4 विकेट मिले थे, नेथन एलिस को 2 विकेट मिले थे और टोटल स्कोर बनाया था पंजाब ने 167 का, और डेविड वार्नर का 54 था जिसमें ईशांत शर्मा के 2 विकेट हमें देखने मिले थे। ईशांत शर्मा भले बूढ़े हो गए लेकिन दोनों मैचेस में 2-2 विकेट निकाले थे इन्होंने। अब दोस्तों बात करें एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जहां पर 1 करोड़ तो बस शुरुआत है और ये जो प्राइस है बढ़कर 2 करोड़ 3 करोड़ तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ इस मैच के लिए अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से, जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है उससे अगर आप माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो जो मेगा कॉन्टेस्ट है, अब आप पहले आप एक टीम ज्वाइन कर पा रहे थे 1 रुपए से, अब आप 2 बार मेगा कॉन्टेस्ट 1 रुपए से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको उसको जैसे ही साइन अप करोगे उसके 1 घंटे के अंदर ज्वाइन कर लेना है। और पावर प्ले जो वीक चल रहा है उसका ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग के, दोस्तों जो 10 विनर्स है उन सभी 10 खिलाड़ियों को SUV कार मिलने वाली है। ये पावर प्ले फेस्टिवल का अभी बेनिफिट ले लीजिएगा, अगर 10वीं रैंक तक भी आते हो तो भी फायदा ही है आपको। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 टीम्स आप 1 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हो, पहली बार डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना जो कि है talent23, 20% का तो एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा, पर ये कूपन कोड का इस्तेमाल करना जरूरी है इसके लिए, तो ये इस्तेमाल कर लीजिएगा तभी आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। अब बात कर ली जाए अगर प्लेइंग 11 के बारे में, तो शुरुआत होगी शिखर धवन से। शिखर धवन, प्रभ सिमरन सिंह आपको ये ओपन करते हुए नजर आएंगे, रायल एरिशो पॉसिबल है कि नंबर 3 खेलें या फिर जॉनी बेरिस्टो खेल सकते हैं, इन दोनों का बैटिंग जो ऑर्डर है वो एक दूसरे से रिप्लेस हो सकता है। इसके बाद दोस्तों शशांक सिंह, हरप्रीत बरार। दोस्तों ये शशांक सिंह की कहानी किस किस को पता है, ये खरीदना किसी दूसरे शशांक सिंह को चाहते थे लेकिन खरीद किसी और शशांक सिंह को लिया है, तो पॉसिबल है कि थोड़े महंगे लिए तो पहला मैच में आजमाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों सैम करन, हर्षल पटेल, राहुल चहर, कगिसो रबाडा, अर्षदीप सिंह, लिविंगस्टन और ऋषि धवन, ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा प्लेयर्स के नाम रखे। अगर रायल एरिशो नहीं खेलते हैं तो पॉसिबल है कि लिविंगस्टन को खिला लिया जाए, या फिर बेरिस्टो तो खैर आ चुके हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, तो ये ही खेलेंगे जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। तो सिर्फ रायल एरिशो और लिविंगस्टन में से कोई एक खेलेगा ये तय हो सकता है, बाकी ऋषि धवन आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं शशांक सिंह के स्थान पर भी। और दूसरी टीम जो है वो है दिल्ली कैपिटल, और दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 बहुत हद तक क्लियर होगी। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यश धुल और अक्षर पटेल, ये टॉप 6 में कोई चेंज शायद नहीं होगा। इसके बाद मुकेश कुमार भी खेलेंगे ही, फिर जय रिचर्डसन आ चुके हैं तो पॉसिबल है ये भी खेलेंगे, कुलदीप यादव कन्फर्म है, अब तय होगा ईशांत शर्मा, ट्रस्टिन स्टब्स, एनरिक नोरकिया और ललित यादव में, इनमें से कोई एक खेलेगा और शायद एनरिक नोरकिया, इनमें से इन जो 4 खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी आपको खेलता हुआ नजर आएगा, मतलब 2 देशी में से 1, 2 विदेशी में से 1 खेलता हुआ नजर आएगा, जो कि आपको टॉस के टाइम पर टेलीग्राम पर क्लियर कर दिया जाएगा, वहां रहोगे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अब जरा बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से दोनों टीम्स की वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि नया ग्राउंड है तो वेन्यू रिकॉर्ड अभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर इन खिलाड़ियों ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है, पुराने ग्राउंड पे खेला होगा जब ये इसको पूरा रेनोवेट कर दिया गया है, तो हम नई पिच पे नए ग्राउंड के हिसाब से रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करेंगे। अब यहां पे पहला नाम है शिखर धवन का, शिखर धवन की हम बात कर रहे हैं, जरा दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, नोट करते चलिएगा जो जो काम की बातें आपको मिलती जा रही हैं, कई बार क्या होता है कि मैं बोलता हूं और आपके दिमाग से कुछ चीज़ें स्किप कर जाती हैं, निकल जाती होंगी, इसलिए जो जैसे जहाँ पे कुछ पॉइंट लगे उसको नोट कर लेना क्योंकि पैसे का सवाल है। शिखर धवन के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल के सामने 19 मैच खेले हैं, 31 का एवरेज है, 50 ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 50 है, और पिछले 1 से 2 सालों के अंदर 39 का एवरेज है और 6 50 है। जब पहले बैटिंग करने आते हैं तब बहुत अच्छा करते हैं, 5 बार 50 किया है, पहले बैटिंग करते हुए वाइस कैप्टन की दौड़ में है, कैप्टनसी की दौड़ में नहीं है, सिर्फ वाइस कैप्टनसी की दौड़ में है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी इनको ज़्यादा परेशान करती है, चूंकि लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑफ ब्रेक परेशान करेगा, सामने वाली टीम के पास में ऑफ ब्रेक नहीं है, अच्छी बात है ऑफ ब्रेक नहीं है, लेकिन जो कुलदीप यादव हैं जो कि चाइना में गेंदबाज है वो इनको 2 बार आउट कर चुके हैं।
इसके बाद नंबर दो पे आपको मिलते हैं प्रभ सिमरन सिंह। प्रभ सिमरन सिंह आपके लिए अनएक्सपेक्टेड प्लेयर का काम करेंगे। अनएक्सपेक्टेड प्लेयर का काम कैसे, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है बहुत कम है। स्टार्टिंग में आके इनका काम भी सिर्फ बैट चलाने का ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, बैट चलाने का काम है। और अगर बैट पर प्रॉपर बॉल आता रहा तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। चूंकि एक अच्छी सी बात यह है कि जो दिल्ली की टीम है उनके पास भी गेंदबाजी बड़ी अच्छी है। आपको ईशान शर्मा मिलेंगे, मुकेश कुमार मिलेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, मिचेल मार्श भी गेंदबाजी कर सकते हैं, पॉसिबल है। और नहीं तो उनके पास जय रिचर्डसन है, एनरिक नॉर्किया है, तो उनकी गेंदबाजी बड़ी अच्छी है। तो इसीलिए मैं पहले मैच की स्मॉल लीग में तो इनको छोड़ सकता हूँ, लेकिन आप जीएल में फिर भी ट्राई करना और जीएल में सीधा कैप्टन बनाना। स्मॉल लीग में तो ठीक है आप छोड़ दोगे, लेकिन ग्रैंड लीग में सीधा कैप्टन करना, क्योंकि ये आप 100 देख रहे हैं जो इन्होंने इसी टीम के सामने किया था। और 21 मैच में जो 21 मैच खेले थे उसमें 150-100 बना चुके हैं पिछले एक साल के अंदर। और राइट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 15 का है, मुकेश कुमार, ईशान शर्मा और मिचेल मार्श इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। इसके बाद रायले रिशु आपको मिलेंगे। रायले रिशु की बात करें तो बैटिंग एवरेज इनका 17 है, पूरे पीएसएल में हमने इनको चलते हुए नहीं देखा ये तो आप भी जानते हैं। तो इसीलिए रायले रिशु को पहले मैच में हम सिर्फ रेस्ट देंगे, रेस्ट देने से मतलब देखेंगे कि भाई क्या बैटिंग कर रहे हैं। जब पीएसएल में इतनी दिक्कतें आई हैं तो आईपीएल तो और हार्ड है, इसीलिए पीएसएल के बाद ना चलने के बाद मैं अभी इनको रेस्ट दूंगा। बाकी ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको ज़्यादा परेशान करती है। राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी के सामने तो बैटिंग एवरेज सिर्फ 10 का है और मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, ईशान शर्मा, मिचेल मार्श इस तरह की गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज मौजूद हैं। फिर आते हैं बैरिस्टो। बैरिस्टो का भी बैटिंग एवरेज ऐसा कोई बहुत कमाल का नहीं दिख रहा है, 21 और 22 का एवरेज है। डीसी के सामने 36 के एवरेज को मेंटेन किया है, जिसमें 150 का स्कोर है, पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। और यहां देख रहे हैं टोटल ही 2 50 है, कितनी पारियों में, 16 इनिंग्स के अंदर। ऑर्थोडॉक्स के सामने बैटिंग एवरेज आपको मिलेगा 11 का और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने बैटिंग एवरेज मिलेगा आपको 5 का। एनरिक नॉर्किया, अक्षर पटेल, जय रिचर्डसन, ये 3 गेंदबाज हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, इन पर आपको फोकस करना है जो इनके लिए परेशानी बन सकते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनके लिए ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर रही है, क्योंकि सिर्फ 30 गेंदों के अंदर 5 बार आउट कर देना ये मतलब बहुत बड़ी बात है और नॉर्किया इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो कन्फर्म प्लेयर के तौर पर सिर्फ एक ही नाम निकल कर आया है, वो है शिखर धवन का। इसके अलावा एक भी ऐसा प्लेयर अभी मुझे नहीं लगा है जिसको आप सोचो कि हाँ आंख बंद करके टीम में रख लिया जाए, नहीं है। तीनों नहीं, मतलब जो अभी 4 प्लेयर हमने देखे, चारों में भी प्लेयर ऐसा नहीं है। इसके बाद शशांक सिंह की अगर मैं बात करूं, दोस्तों लेटेस्ट प्लेयर है, लेकिन अभी मैं यही कहूंगा कि इनको आप थोड़ा सा अवॉइड करें, सिर्फ जीएल के लिए टीम में जगह दें। बैटिंग एवरेज 23 है और 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं, थोड़ी बहुत गेंदबाजी देखने को मिल सकती है इनकी आपको। लेफ्ट आर्म मीडियम और लेग ब्रेक गेंदबाजी जो है वो इनको परेशान करती है। इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलेगा वो है हरप्रीत ब्रार का। हरप्रीत ब्रार की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनका ये भी एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर आप मान के चलिएगा, इनको पूरे टूर्नामेंट में विकेट नहीं मिलेंगे। आप इस चीज़ को नोट कर लो, अभी आपके बहुत काम आएगी आगे जी। इनको पूरे टूर्नामेंट में विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन जिस मैच में इनको विकेट मिलेंगे उसमें 3 से 4 विकेट मिल जाएंगे, ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 4 विकेट मिल जाएंगे उस एक मैच के अंदर। और मैं आपको बता दूं, जो मुस्तफिजुर रहमान को लेकर खुश हो रहा है ना कल के लास्ट मैच को लेकर, पूरे टूर्नामेंट में अगर आप वो 3 विकेट निकाल देना नहीं निकाल पाएंगे, मुझे पता है कि वो उस लेवल के प्लेयर है ही नहीं। वो बल्लेबाजों ने गलती से विकेट फेंके हैं, अपनी गलती से बल्लेबाजों ने विकेट दी, अदरवाइज उनको विकेट 4 तो उनको इंटरनेशनल में कभी 4 विकेट नहीं मिले, कभी उनके बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्हें 4 विकेट नहीं मिल रहे, जहाँ 4 विकेट निकाल रहे हैं बल्लेबाज गलती कर रहे हैं, ठीक है। 18 इनिंग में 20 विकेट इनके खाते में दर्ज है, पहले गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट हैं, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत करती है, राइट आर्म मीडियम के सामने इनका 13 का एवरेज है। बैटिंग इनकी गंदी है, बहुत गंदी बैटिंग है, जो थोड़ा बहुत अगर कुछ मिल सकता है तो सिर्फ गेंदबाजी से मिल सकता है। तो जब आप अगर ज़्यादा टीमें बनाते हो ग्रैंड लीग के अंदर, ग्रैंड लीग के अंदर अगर आपके कॉम्बिनेशन ज़्यादा हैं तो आप एक टीम में इनको कैप्टन बना देना, बाकी टीमों में रखो ना रखो वो एक अलग बात है, पर एक टीम में कैप्टन ज़रूर बना लेना, ठीक है। जय रिचर्डसन, एनरिक नॉर्किया और ईशान शर्मा, मुकेश कुमार इस तरह के गेंदबाज हैं जो कि इनको परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद है सैम करन, दूसरा ऐसा प्लेयर जो कन्फर्म है, शिखर धवन के बाद सीधा सैम करन जो कन्फर्म है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बैटिंग आएगी, बॉलिंग तो इनकी भी नहीं चल रही है। अगर आप इनकी बॉलिंग देखोगे तो 60 इनिंग में 50 विकेट निकालें, आप ऐसी उम्मीद नहीं करोगे किसी गेंदबाज से जो कि 60 इनिंग में 50 विकेट निकाल रहा है। तो गेंदबाजी के लिए तो मैं इनको भी नहीं रख रहा हूँ, इनको रख रहा हूँ मैं इनकी बल्लेबाजी की वजह से, क्योंकि बैटिंग में इन्होंने 5 50 किए हैं और जब जब बैटिंग आई है तो आपको 25-30 रन कर जाते हैं।
अगर गलती से एक विकेट मिलता है तो ड्रीम टीम में जगह बिल्कुल पक्की सी है। इसीलिए ये खिलाड़ी शिखर धवन के बाद सीधा कन्फर्म बन रहा है दूसरे नंबर पर। बाकी जो बीच के खिलाड़ी है ना, उनका भरोसा नहीं कि कब चलेंगे और कब नहीं चलेंगे। और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने बैटिंग एवरेज 10 का है और हाल फिलहाल में ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों प्रोवाइड करेंगे, इसलिए टीम में रखा है हमने। इसका अक्षर पटेल तीसरे कन्फर्म, सॉरी हर्षल पटेल, 11 इनिंग 11 विकेट इनके पास में है। 2023 से 24 के बीच में सिर्फ 14 विकेट निकाले हैं। डेथ ओवर में ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं क्योंकि वेरिएशन का अच्छा यूज कर लेते हैं। चूंकि ये ग्राउंड बड़ा है तो मैं पॉसिबिलिटीज यही बताऊंगा कि अगर ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप इनसे कम से कम 2 विकेट की उम्मीद कर लेना डेथ ओवर के अंदर, ये फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी के लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इसके बाद राहुल चहर 14 इनिंग 8 विकेट। पिछला सीजन इनका बहुत गंदा गया था, पहले गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट निकाला था और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट है। इसके बाद है कगिसो रबाडा, 27 इनिंग 33 विकेट इनके पास है। 14 इनिंग में 13 विकेट यहां और 13 इनिंग में 20 विकेट इन्होंने सेकंड इनिंग की गेंदबाजी में निकाला हुआ है। फिर आते हैं नाम अर्शदीप सिंह पे। अर्शदीप सिंह का पिछला एक साल बहुत गंदा निकला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अर्शदीप सिंह को कंफर्म कर लूं स्मॉल लीग में तो चलो ठीक है कि आपके ओपोनेंट के पास भी मिलेगा अर्शदीप सिंह, लेकिन जीएल में जब जाओगे, जब ग्रैंड लीग में जाओगे तो वहां पर अर्शदीप सिंह को छोड़ने का जो रिस्क है वो उठा सकते हो। 21 इनिंग में महज 25 विकेट है, पहले गेंदबाजी करते हुए निकाला है 6 विकेट और सेकेंड गेंदबाजी करते हुए 19 विकेट है। चूंकि सामने वाली टीम की बल्लेबाजी बड़ी तगड़ी है, जब आप उनका बैटिंग ऑर्डर देखने निकलोगे तो मजा आ जाएगा। टॉप 4 टॉप 5 बहुत तगड़ा है उनका, तो इसीलिए अभी के लिए मैं इस टीम की गेंदबाजी पे उतना डिपेंड नहीं करूंगा। फिर नाम है लिविंगस्टन का। लिविंगस्टन बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ये देख रहे हो 2023 से 2024 सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार 50 किया है, पूरा बीबीएल निकल गया, बांग्लादेश सॉरी अपनी बिग बैश लीग निकल गई, कुछ नहीं किया इन्होंने कुछ खास। पहले गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हैं, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट हैं। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी क्रिकेट थोड़ा सा कमी निकला है इनका अच्छा, ऐसे में ये खिलाड़ी भी सिर्फ और सिर्फ जीएल में काम आएंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको बैरिस्टोर और लिविंगस्टन में से किसी एक को पिक करना पड़ा तो आप वहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को पिक करने के लिए इनको थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता दे सकते हो। लेग ब्रेक के सामने इनका बैटिंग एवरेज 13 का होता है। सामने वाली टीम के पास में लेग ब्रेक नहीं है, ये अच्छी बात है, नहीं तो इनके लिए मुसीबतें बढ़ जाती। और अंतिम नाम है ऋषि धवन का, जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर में निकाले थे 16 इनिंग में 18 विकेट, जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट हैं और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। अब बात कर लेते हैं जितेश शर्मा, और जितेश शर्मा तो रह गए, जितेश शर्मा अच्छा प्लेयर है, ये एक और है जिसको कंफर्म कर सकते हो। जितेश शर्मा को कंफर्म कर सकते हो, चाहे पहले बैटिंग कर रहा हो चाहे सेकंड बैटिंग कर रहा हो, ये खिलाड़ी बढ़िया है और लगभग 30 का बैटिंग एवरेज है। और ध्यान रखिएगा, जितनी गेंदें खेलने मिलेंगी उतने में कोशिश इनकी यही होगी कि मैं चौका मारूं या छक्का मारूं। तो अगर इन्होंने 10 गेंद खेली तो आप 25 रन 15 रन बिल्कुल मान के चलें, 20 रन मान के चलें, पॉसिबिलिटीज हैं कि विकेट कीपिंग भी करेंगे, और विकेट कीपिंग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट वहीं से मिलने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए जितेश शर्मा कंफर्म पिक है एक तरह से, अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ठीक है। लेकिन इनकी दिक्कतों की अगर बात करें तो फास्ट बॉलिंग के सामने फंसे हैं, 4 बार आउट हुए हैं 50 गेंदों के अंदर, 17 का बैटिंग एवरेज है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। वेन्यू रिकॉर्ड, इस मैदान पे अगर इन खिलाड़ियों ने खेला होता तो जरूर प्रोवाइड किया जाता, लेकिन नहीं खेला है तो कहाँ से मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं डेविड वार्नर के बारे में। दोस्तों चीजें अगर क्लियर होती जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स जल्दी से कंप्लीट कर देना, जिससे हम टेलीग्राम पे फ्री गिवअवे जल्दी से स्टार्ट कर सकें, क्योंकि मैच से पहले ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैच के बाद तो फिर क्या ही मतलब निकलेगा। डेविड वार्नर लेफ्ट हैंड बैटिंग, 50 का बैटिंग एवरेज, ये है पंजाब के सामने, मतलब ये तो कन्फर्म ऑलरेडी हो चुके हैं। और लास्ट 30 इनिंग में 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है और बढ़िया रिकॉर्ड चल रहा है। पहले बैटिंग करते हुए हालांकि उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए 5-50 है। कन्फर्म प्लेयर, पहला प्लेयर जो डीसी की तरफ से कन्फर्म है। लेफ्ट आर्म मीडियम ने इनको थोड़ा परेशान किया है, लगभग 116 गेंद डाली है, 8 बार आउट कर दिया, मतलब लगभग 16 का बैटिंग एवरेज है, ये दिक्कत रही है। कगिसो रबाडा 3 बार आउट कर चुके हैं, ये देखने लायक बात है। और एक और जो चीज़ है, सैम करन जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम है, वो 2 बार आउट कर चुके हैं, और अर्शदीप सिंह भी लेफ्ट आर्म मीडियम है, मतलब यहाँ चांसेस बन सकता है कि ये मार दे डंडे में। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी शॉ आपको मिलते हैं। पृथ्वी शॉ है एक तरह से मिस और हिट वाले प्लेयर। कैसे प्लेयर है? मिस और हिट वाले प्लेयर, ये या तो चलेंगे अच्छे या फ्लॉप होंगे बुरे। अब मतलब वो बीच वाली स्थिति नहीं है,
कि 27 बना दिया, 30 बना दिया, 35 कर दिया, वो स्थिति नहीं है। इनकी स्थिति या तो 10 रन 12 रन या फिर 40 रन 50 रन, ये दो कंडीशन देखने मिलती हैं। अब आप या तो इन्हें पूरे मैचेस में ड्रॉप कर दो तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होगा। दो मैच खराब होंगे, चार मैच खराब हो जाएंगे, बाकी बचे हुए 10 मैचेस आपके बहुत अच्छे चलेंगे। इनकी फॉर्म देख लेते हैं हम कैसी फॉर्म है। हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ कमाल किया नहीं है, और पहले बैटिंग करते हुए 350 और 100 है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने बहुत दिक्कतें हैं, और कगिसो रबाडा मौजूद है यहाँ पे जो कि इनको पहले भी परेशान कर चुके हैं, और राहुल चहर दो बार इनको पहले आउट कर चुके हैं। इसके बाद मिचेल मार्श कन्फर्म प्लेयर कैप्टनसी की दौड़ में सबसे आगे। क्यों है कैप्टनसी की दौड़ में सबसे आगे? क्योंकि T20 में इनका तोड़ नहीं है, खतरनाक प्लेयर है, और 17 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। गेंदबाजी शायद ना करें गेंदबाजी, और अगर करते हैं तो फिर कमाल हो जाएगा। 31 गेंदों में चार बार आउट कर चुका है राइट आर्म फास्ट बॉलर इनको, 14 का बैटिंग एवरेज है। तो बहुत ज़्यादा आपको कगिसो रबाडा पर डिपेंड रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके बाद है ऋषभ पंत पिछले कुछ समय से क्रिकेट से थे दूर, ये आप सभी जानते हैं। पहला मैच खेलेंगे लगभग 140-150 दिन बाद, और ज़्यादा ही हो चुका होगा मेरे ख्याल से, एक सवा साल हो रहा है। पिछला IPL भी नहीं खेले थे ना, हाँ, तो पिछला IPL से इस IPL की अगर बात करें तो लगभग 350-300 दिन तो यही हो रहा है। तो कुल मिलाकर इतने दिनों बाद क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, तो पहला मैच कैसा चलेगा ये देखने वाला होगा। आप इतना कर सकते हो कि 80% लोग इनको टीम में शामिल कर रहे हैं। अब पहला मैच है इतने दिनों बाद, तो पहले मैच में आके 100 तो नहीं बनाएंगे, इसलिए छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से छोड़ देना, पहले मैच में रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि अगर 80% लोगों से डिफरेंट चलेंगे तो पॉसिबल है कि अच्छे चांस होंगे आपके जीतने के। बाकी आप लोगों की मर्जी है, खिलाड़ी अच्छा है ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हो। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि एक साल से क्रिकेट से दूर है, तो आते ही 100 या फिर 50 तो मेरे ख्याल से नहीं आने चाहिए, अगर 10-15 रन आ जाए अच्छी बात है। इसके बाद है यश धुल 11 इनिंग में 31 का बैटिंग एवरेज है, 1.50 है एवरेज खिलाड़ी है। पहले बैटिंग करते हुए 30 का एवरेज और 1.50 है। राइट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज आपको 17 का देखने मिल जाता है। हर्षल पटेल जो कि इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद अक्षर पटेल कन्फर्म प्लेयर है, टीम में रखना मजबूरी है। 27 इनिंग 17 विकेट है, गेंदबाजी कोई बहुत कुछ कमाल नहीं है, बस बात इतनी सी कि पिछले साल इन्होंने जितना भी स्कोर किया था वो बल्लेबाजी से किया था, और आप देख भी सकते हो कि 36 के एवरेज को मेंटेन किया था, और अगर आप 36 के एवरेज के साथ में एक विकेट निकाल रहे हो तो वो बेनिफिट हो रहा था। इसीलिए अक्षर पटेल जो है वो टीम में फिट बैठ जाएंगे। वैसे भी ये दोपहर का मैच है तो पॉसिबल है कि एक विकेट तो आ ही जाएगा। पहले गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट इनके खाते में है, और 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने किया है। इसके बाद मुकेश कुमार, ये मुझे कभी पसंद नहीं आया, बस हाँ ये कि डेथ ओवर में सारी यॉर्क डाल देते हैं, ये अच्छी बात है कि यॉर्क डाल लेते हैं। पर आप देखिएगा 2 विकेट से ऊपर अभी तो नहीं निकाला है, अब कल जैसे 4 विकेट अगर मारते हैं जैसे रहमान ने मार दिए थे तो एक अलग बात है, बाकी चांसेस तो ना के बराबर हैं। इसके बाद रिचर्डसन, ये खिलाड़ी है ताबड़तोड़, 16 इनिंग 25 विकेट 4 विकेट का हाईएस्ट है, 9 रन देके। पहले गेंदबाजी करते हुए 8 में 11, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 8 में 14, दोनों पारियों में 4 विकेट मार चुका है, इसको बना सकते हो आप कैप्टन वाइस कैप्टन। फिर है दोस्तों कुलदीप यादव, 14 इनिंग 10 विकेट इनके पास है, 8 में 8 आपको यहां देखने मिलेगा। पहले गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट यहां है, और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट है। ईशांत शर्मा 11 इनिंग 14 विकेट, ये पिछले साल की बात है, ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जो IPL पिछले साल खेला था उसमें अच्छी गेंदबाजी रही। पहले गेंदबाजी करते हुए भी विकेट था, और सेकंड गेंदबाजी करते हुए भी इन्होंने विकेट निकाले हैं। और इसके बाद एनरिक नॉर्किया, 27 में 32 विकेट इनके पास है, पहले गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट है, और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 20 विकेट इन्होंने निकाला है। पंजाब के सामने 3 में 3 विकेट है, और खलील अहमद अगर खेलते हैं तो 24 इनिंग में 29 विकेट इनके पास में मौजूद है। ये भी ठीक बॉलर है, खलील अहमद अच्छे बॉलर है। ललित यादव की चांस नहीं है कि खेलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ट्रस्ट इन स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये शायद नहीं खेलेंगे, वैसे पॉसिबल है कि नहीं खेलेंगे। अब जो कैप्टन वाइस कैप्टन से की हम बात कर रहे हैं वो ज़रा देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो क्लियर है तो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि कैसा लगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल अपडेट प्लस फ्री गिवअवे मिलेगा। मिचेल मार्श, वार्नर, सैम करन, ये 3 बेटर चॉइसेस हैं। शिखर धवन, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के साथ में आप GL में मतलब ग्रैंड लीग में जा सकते हो। जॉनी बेरेस्टो, ऋषभ पंत को टीम में जगह दी है धवन और वार्नर के साथ में, सैम करन, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, जय रिचर्डसन, कुलदीप यादव, रबाडा और अर्शदीप सिंह टीम में शामिल हैं। कौन कौन से चेंजेस होंगे
टॉस के बाद क्या बदलाव होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम पे मेरे साथ में बने रहिएगा और माय 11 सर्कल एप्लीकेशन पे जो 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट कैश मिलेगा उसके लिए मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, प्लस 1500 रुपये का कैश बोनस आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।